नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार किसान संगठनों के नेताओं के ऊपर कोई बयान दिया है। ये बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक धमकी है कि जिन लोगों ने, इन किसान नेताओं ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रची है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये चेतावनी, ये जो धमकी है, ये ठीक उसी तरह की है जब पुलवामा में हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान से गलती हो गई है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री आज बंगाल के हल्दिया में थे और पहली बार ये जो दिल्ली के बाहर किसान संगठनों का जो तमाशा चल रहा है, तथा कथित आंदोलन जो चल रहा है, उस पे पहली बार कोई पब्लिक बयान आया है। और उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे क्या हैं, या उनके कानून, जो तीन कानून मोदी सरकार लेकर के आई है, उसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, या सरकार क्या सोच रही, इसके ऊपर जरा सा भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बिल्कुल जो इस प्रॉब्लम के जड़ में है उसको एड्रेस किया है और उसको सही सही पकड़ा है। कैपिटल टीवी लगातार पहले दिन से, जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ था, उस दिन से ही हम लोग इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है। चीन, पाकिस्तान, यूके, कनाडा, यूएसए, यहाँ जो हिंदुस्तान विरोधी ताकतें हैं, इन सब मिलके इन लोगों ने साजिश के तहत हिंदुस्तान को बदनाम करने की एक प्लानिंग रची है। और आज प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की इमेज को खराब करने के लिए एक इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है, और जिन लोगों ने इसमें कोई भी भूमिका निभाई है, वो तमाम नेता जो चुप रह के इन किसान संगठनों की मदद कर रहे हैं, इन सब को जवाब देना होगा। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, और वो इसलिए आया है कि वो जो कई सारे, पता नहीं कोई मियां खलीफा है तो पता नहीं और किस किस तरह के लोग हैं जो इन किसान संगठनों के साथ खड़े हुए हैं, पैसे लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। कोई रिहाना है? अब पता नहीं इन किसान के नेताओं को, उनसे इनका क्या रिश्ता रहा है और क्या इन लोगों के साथ इनकी सेटिंग और गेटिंग है। लेकिन इतनी बात तो जरूर कही जा सकती है, ये सब के सब, ये जो हिंदुस्तान के खिलाफ ये खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले, ये कनाडा में बैठे हुए देशद्रोही हैं, उनके चट्टे बट्टे हैं। और प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि जो हिंदुस्तान को जो बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, इसका खामियाजा इन सरेक नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, लेफ्ट के नेताओं को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, इसकी भरपाई करनी होगी, उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने खास करके उस गूगल किट के बारे में, जिसमें यह साफ साफ पता चला था किस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, बताइए पोएटिक जस्टिस हो रहा है यहां पर, और इन लोगों ने किस तरीके से टूल किट बना करके हिंदुस्तान को बदनाम और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में एक कैंपेन करने का जो पूरा जो नेटवर्क पता चला है, उसके बारे में वो बता रहे थे। उसका एक पॉइंट उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा कि ये जो षड्यंत्रकारी हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ, ये जो किसान संगठन के लोग जिनके पैसे पे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर कथक कर रहे हैं, इन लोगों की जो मंशा है, वो मंशा ये है टू डिसरप्ट योगा एंड चाय इमेज ऑफ इंडिया इन जनरल। मतलब ये जो हिंदुस्तान में के लेकर के जो दुनिया भर में योग का प्रचार हो रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान एक सॉफ्ट पावर के हिसाब से दुनिया भर में उभर रहा है, उसको डिसरप्ट करना है उस इमेज को। और तो और, वो बंगाल में थे और वो राजनीतिज्ञ तो है ही, उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा कि किस तरीके से हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाय का एक्सपोर्टर है, और उसके इस इमेज को खराब करना, हमारा
कॉम्पिटिटर कौन है? ये चाइना है हमारा कॉम्पिटिटर चाय के क्षेत्र में, और उसको डिसरप्ट करना है। मतलब ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ये हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए तो हो ही रही हैं, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भी, आर्थिक दृष्टि से एक जो हिंदुस्तान की जो इमेज दुनिया भर में बन रही है उसके खिलाफ ये किसान संगठन, ये रोने का नाटक करने वाले राकेश टिकैत को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ये जो घूम घूम करके ये जो महापंचायत, इन्होंने एक जाटों का जो महापंचायत शुरू किया है, इसके पीछे वो जिसके कठपुतली बने हुए हैं, इन लोगों के इरादे क्या हैं? ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि यूनिफाइड ग्लोबल डिसरप्शन ऑफ डायस्पोरा ऑन 26 जनवरी, ये 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर हिंदुस्तान का अपमान किया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, ये कोई अनायास नहीं हुआ है। ये सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि जब ये 26 तारीख के शाम में जब ये रो रहा था ये सारे किसान संगठन के नेता कि हमारे आंदोलन में कुछ उपद्रवी घुस आए हैं, ये उपद्रवी घुसे नहीं, ये किसान संगठन उन उपद्रवियों को पैसे देकर, ये किसान संगठन के नेता, ये गूगल पिट किट बेचने वाले इन खालिस्तानियों के साथ मिलकर इन लोगों ने साजिश रची, या मूर्खता में ये उसके साजिश में शामिल हो गए, या फिर इनको पप्पू बनाया गया है, या फिर जानबूझकर इन लोगों ने पैसे लेकर हिंदुस्तान को अपमान बदनाम करने की साजिश में वो शामिल हुए हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अब तो बहुत दिन बीत गए 26 जनवरी के, तो ये किसान संगठन इन तमाम लोगों को जिन लोगों ने लाल किले पे कोहराम मचाया था, उनकी रिहाई, उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसको विड्रॉ करने की मांग क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये जो खालिस्तानी जो पैसे से लेकर के सारी चीज़ों के जरिए हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, और ये दिल्ली बॉर्डर पे बैठे ये फर्जी किसान नेता, ये सब एक ही थाली के अलग अलग चट्टे बट्टे हैं, और इनको एक्सपोज करना ज़रूरी है। अब चुनौती सरकार के सामने है, प्रधानमंत्री का बयान कोई यूं ही दिया हुआ बयान नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि इनको जवाब देना होगा, तो ये यकीन करना पड़ेगा कि इन्हें वाकई जवाब देना होगा। इनके रिश्ते खालिस्तानियों के साथ क्या है? इनके रिश्ते कनाडा में, यूएस में, यूके में जो बैठे हुए देश विरोधी ताकतें हैं, आईएसआई है, चाइनीज एजेंट्स हैं, उनके साथ इनके क्या रिश्ते हैं? अब इसकी तहकीकात होगी। जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है, और ये नेता जो दिल्ली के बाहर धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के विपक्ष के जो नेता जो इनका समर्थन कर रहे हैं, इनकी क्या साठ गांठ है, इसकी तहकीकात ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी। उसके बाद ही प्रधानमंत्री ने कुछ इन्फॉर्मेशन आने के बाद इस तरह का बयान दिया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है कि जिस तरह के लोग शाहीन बाग में थे, जिस तरह के लोग शाहीन बाग के बाद दिल्ली के अंदर दंगा फैलाने में जुटे हुए थे, इनके रिश्ते तो ये तो नॉन नक्सली हैं, एंटी नेशनल हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, ये तो चाइना के पैसे पे, आईएसआई से पैसे लेकर के हिंदुस्तान में हंगामा मचाने का वो ठेका लेकर के बैठे हुए हैं। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने आज ये कहा, तो देश के कई लोगों के कलेजे को आज ठंडक मिली होगी कि प्रधानमंत्री अब एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बातचीत का, अब तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत का रास्ता खुद ब खुद बंद कर दिया है इन किसान नेताओं ने। ये दरअसल बैठे ही थे हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, वो जो इंटरनेशनल साजिश का जो हिस्सा है, उसमें एक अहम पॉइंट ये भी है कि रिपील फॉर्म बिल्स, जो कानून लाया गया उसको तो हटाया ही जाए, दूसरा पॉइंट जो उसमें साफ साफ बताया जा रहा है, एक्सपोज फासिस्ट रिस्पॉन्स टू डिसेंट। इन लोगों ने पहले ही सोच लिया था, ये 26 तारीख का प्लान के पहले का ये टूल किट है कि 26 तारीख को हम लोग इतना हंगामा करेंगे कि पुलिस वाले जोर जबरदस्ती करेंगे, गोलियां चलेगी, यहां लाशें बिछेंगी, दिल्ली के अंदर खून बहेगा, और जब ये खून बहेगा तो फिर हम लोग मोदी के खिलाफ एक अलग हंगामा शुरू कर देंगे कि हिंदुस्तान के अंदर में फासिज्म है। यही बात पिछले 2 महीने से मैं कहता आ रहा हूं कि इनकी लड़ाई किसानों के लिए नहीं है,
इनकी लड़ाई उन गरीबों के लिए नहीं है जो अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान के गांव में। ये पूंजीपति, ये करोड़पति किसान, ये जो एसयूवी पे चलने वाले जो किसान हैं, ये उनके दलाल हैं जो हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश में जुटे हुए थे। और इनका निशाना कानून नहीं बल्कि सीधे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये जो फासिस्ट रिस्पांस नहीं मिला है इसलिए ये अब छटपटा रहे हैं, क्योंकि खबर आई थी, ये बताया गया था कि टिकैत जब वो अपनी आंदोलन को उठा करके ले जा रहा था गाजीपुर से, ये कपिल मिश्रा के ट्वीट ने और एक दो वेबसाइट में इस तरह की खबरें आई थी कि कुछ खालिस्तानियों ने पकड़ के इनसे पूछा कि अगर तुमने अपना आंदोलन उठाया तो तुम्हें वो सारे पैसे वापस करने होंगे, इसलिए वो रोना शुरू कर दिया था। ये खबरें हैं, इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन इस तरह की खबरें आई हैं। तो ये क्या वाकई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? क्या वो जो मसाज करने के वाली जो मशीनें थी वो खालिस्तानियों के पैसे से आई थी? और हाँ, कल ये जो इन लोगों ने चक्का जाम का प्लान किया था उसमें भी खालिस्तान का झंडा नजर आ रहा था, भिंडर वाले की तस्वीर नजर आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये बियॉन्ड एनी डाउट, शक की कोई अब गुंजाइश ही नहीं है कि ये जो किसान नेता बनकर किसान की बातें करने वाले ये धन्ना सेठ, ये करोड़पति किसान, ये उनके दलाल, ये किसान नेता, ये गरीबों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी कमाई कर रहे हैं और हिंदुस्तान को बदनाम करने का इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। अब प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात आ गई है तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द ये जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए फर्जी किसान नेता हैं उनसे इस मसले में कि जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है उसके ऊपर इनसे पूछताछ की जाए, और अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज तो लगे ही। ऐसे ऐसे धाराएं में इसे बंद करना चाहिए इन तमाम नेताओं को कि जिंदगी भर ये तिहाड़ जेल में सड़ते रहे। हमारी नज़र प्रधानमंत्री के इस खबर पे, इस बयान पे बनी हुई है। इसमें कुछ भी डेवलपमेंट होगा हम आपको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक आप देखते रहे कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।